मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, वादे मुस्तफ़ा जलपल्ली वार्ड नंबर 22 में रहता हूँ साहब। मैं वहाँ पे घर का ने नमाज पढ़ के आके बैठा हुआ था तो वहाँ का एक बच्चा है हुसैन बोल के, लैंड ग्रामर है ना, ज़मीनों के कारोबार करता और जो सो नल का कोई नल का लिए कोई घर बनाने तो वहाँ जाके 4-5 फुटों को ले लेके जाके ढरा धमका के पैसे लेता, भूखे पिलाता बच्चों को। घर का ने हमारे गांजे के सिगरेट हमें पी रहे थे वही बच्चे, फुटों को सिखा के लिखा के खिला रहा पिला रहा, वहाँ पे घर का ने आवाज़ा पुकारे करा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर का ने दूसरे दिन बैठा हुआ था नमाज पढ़ लेके, आज ही आके बैठा तो क्या है रे, क्या घूर रहा, बच्चे आए तो इधर कहीं भी देख रहा, मार डालता हूँ, काट डालता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। मेरे साथ MLA है, साथ में मेरे लीडर है, मेरे को इन्हू पहचानते, मेरे को उन्हू पहचानते, एक केसों में डाल देता हूँ, ये वो बोल के बोल रहे हैं। किसी के साथ इनके फोटोआँ हैं, ठहरे तो फोटोआँ दिखा के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मैं बोला भाई तुम्हारा कहीं को घूरूंगा मैं, तुम हीरो है क्या पूछा, तो किसको बोला रहे, बोल के उठा के मारे, हाथ में कुछ था उनके, मारने के बाद मेरे को खून निकल गया, मैं वहीं गिर गया चक्कर आके। बाद में घर में जो है सो वालिद साहब बहन उन लोग निकल के जो है सो देख के पकड़ के हॉस्पिटल सीधा PS को लेके गए, पहाड़ी PS को, तो वहाँ से लिख के ये रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट देने के बाद वहाँ पे हॉस्पिटल को गए हम लोग, वहाँ पे कराए ट्रीटमेंट। मैं तो अभी होश में हालत में नहीं था अभी, हाँ वो कुछ सुन करके इंजेक्शन कुछ कर रहे थे, चिपका रहे थे कुछ कर रहे थे, CA जैसा कुछ कर रहे थे इंजेक्शन दे के, वही कर रहे थे। तो हम लोग बोले, उसका नाम सैयद हुसैन है, उन्होंने शहीन नगर वादे मुस्तफ़ा में रहते, वार्ड नंबर 22 मेरे घर के थोड़ा आगे रहते। वो जो उन्होंने क्या है मालूम, गांजे के सिगरेट हमें पिलाना के एकदम टोटली गैर कानूनी धंधे समझिए, उन्होंने बहुत एकदम क्या है गलीज है एक नंबर के मालूम, उन्होंने बच्चियों को छेड़ना, RN हो फोटो को छेड़ लेना, लगड़ लेना, मानना इनको इनको पहचानता हूँ मैं, उनको पहचानता हूँ, तेको ये कर देता हूँ, तेको वो कर देता हूँ, मेरे बारे में नहीं जानता, ये वो बोल रहे थे। तो मैं पूछा मैं कहीं को घूरूंगा भाई, आप आप जो है सो मैडम के साथ हूँ मैं सर, इंदिरा सबिता रेड्डी, तो मैडम तो ऐसे काम नहीं कराते, उन्होंने हाँ मालूम है एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने, और इसके अलावा महेश्वरम के जो है MLA है हमारा एरिया भी उनको ही लग। बोल के सर्कल साहब क्या कर लेते तुम लोग, वहाँ मैं एरिया PS को जो है भरन देता हूँ, वो देता हूँ बोलते एरिया PS में मैंने छूँ तो ये वो केसों में जला देता हूँ, तू काम कारोबार नहीं करना। मैं साहब मेहनत करता हूँ साहब, छोटे मोटे सर्विस सेंटर में एक जॉब करता हूँ, वहाँ पे वहाँ से तेको निकालने लगा देता हूँ, केसा बुक करा के गलत केसों में डाल देता हूँ। अब क्या है साहब, ऐसा केस बुक होना आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ होता, मैं तो बच गया, अगर उन्हें मर गया तो मर जाता था, मेरे अलावा कोई दूसरा रहा तो चलिए मैं हैं बच गया साहब, अगर मेरी जगह कोई दूसरा रहता छोटा बच्चा रहता, इन्हू पीले खा ले के रहते, उठा के मार दिए ने मर गया तो साहब उसकी जिम्मेदारी कौन है, कौन लेता बोलिए। मर्डर का केस बुक करना आप बोलिए, अभी आप क्या है हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि सब सब जनों से पहाड़ी PS वालों से भी यही गुजारिश है कि मेरी इसको मेरे को स्ट्रिक्ट एक्शन होना, आज मेरे साथ हुआ कल किसी के साथ नहीं होना, इनका जिसका भी सपोर्ट है जो भी सपोर्ट है सब जनों को खींचना है इसमें, इन्हों जिसके भरने पे नाच रहे हैं, जो जिसके बोलने पे कर रहे हैं, जो जिसके साथ कर रहे हैं ना, इन्हों घर कने आके गाड़ी की हवाएं उतार देते, पेट्रोला चोरी करने लगाते, असल में क्यों करने लगाते, बकवा हमारे सोशल वर्कर है वहाँ पे काम नहीं होता साहब, ना ड्रेनेज है ना तो पानी है कुछ भी नहीं है, छुप छुप 15-10 मिनट को लाइट बंद आती रहती, सब उसके काम हमारे पप्पा कराते। ऑलमोस्ट सच न्यूज़ में हमारे पप्पा के स्टेटमेंट है, 7H में है, हर किसी में, तो उसमें से क्या है मालूम, ये थोड़े लीडर भी क्या है मिलके करा रहे हैं काम, रोजी रोटी बंद हो गई उनकी, रोजी रोटी बंद हो गई, ये सब डालने से क्या है चेयरमैन साहब इलोंगा क्या करे, टाइट कर दिए लोगों के कारोबार, तो इलोंगा क्या है साहब वही क्या है, हम लोग को जुलूम दे रहे हैं, आते जाते को घूरना, बंडे मारना, हमारे टेरिस पे बंडे हुए मारना करना, घूरम गारी करना मारना, ये सब तरह ऐसा कर रहे हैं। कैमरे लगाए साहब, एक दो बार कैमरे लगाए, वो कैमरे भी तोड़ दिए, ये पार्टी बदनाम होती, ये चोरों को मत रखिए। मैडम आप बहुत अच्छे हैं, आप कार्तिक साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारी आपसे गुजारिश है, एक बड़े मेहरबानी है मैडम, और हम आपके टच में हैं, आपको इसका इल्म है मालूम है, हम आपको पल पल की जो है व्हाट्सएप के जरिए किसी के जरिए सारे चीज़ें बताते रहते कि महल्ले में ये तकलीफ है, ये आज ये लोग आपका नाम बोल के आपके बीच में फ़ोटो खिंचा के
कि हम ऐसे है हमारे को ऐसा है, बल्कि आज मेरा बच्चा मर जाता था इसके कौन जिम्मेदार है। मैं हुकूमत को तो बोल नहीं सकता हूँ, मगर ये ऐसे लोग होने की महमूद अली साहब को सब स्टेशन के लिए यहाँ पर बहुत क्राइम हो रहा, बल्कि मैं ऑलरेडी दे के आया हूँ और मेरे को तयकुन दिलाए महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब के जो है हम यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बुलाएंगे और जो है सब स्टेशन का इंतजाम करेंगे। यही काम आज मेरे बच्चे के साथ हुआ। ऐसे कई मर्डर्स हो रहे वहाँ पे, कई स्नैचिंग हो रहे, दुनिया भर के परेशानियाँ हैं। आज मेरा बच्चा मर जाता था आज मेरा, क्योंकि आज से 2 से 2.5 साल पहले यासीन बोल के एक मासूम बच्चा 50 रुपये के लिए, यही स्टेटमेंट आज से 2 महीने पहले मैं दे चुका हूँ। और महमूद अली साहब से, होम मिनिस्टर साहब से मेरे को गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पे सख्त, वादी मुस्तफ़ा वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 23, ये 3 वार्ड है, ये तीनों वार्डों में ये छोरा पूरे भरे हुए हैं, ये लोगों को बाहर निकालिए साहब। अच्छे अच्छे लोग भी है वहाँ पे, मैडम से गुजारिश है और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से गुजारिश है, ये लोगों को अच्छे से अच्छी सजा दीजिए, हमको डरा रहे हमारा।